तो इतना पूरा बात क्लियर हो गया है। तो मतलब अब रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया जिसके किनारे हुक लगा, हुक किसके किनारे लगा? कोशिका के किनारे। तो कोशिका के किनारे हुक लगा है तो कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। और जो आंख के बरौनी की तरह है, दो मतलब दो परतों की तरह है, वो किसके जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। जो बरौनी की तरह है उसके जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। मतलब केंद्र के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। तो आपने जाना कि कोशिका का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब आप लोग एक बेहतरीन चीज और जान जाइए कि रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम क्या है। ये पूरा बात तो आप लोग जान ही चुके हैं। ठीक, अब आप लोग जान जाइए कि रॉबर्ट हुक के पुस्तक का क्या नाम है। तो रॉबर्ट हुक के पुस्तक का जो नाम है वो नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। हाँ, तो आपने देखना कि कोशिका का खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिकाओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीवित कोशिकाओं का अध्ययन सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो है एंटोनी वान लुवेनहॉक। वो कौन से वैज्ञानिक हैं? एंटोनी वान लुवेनहॉक। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिकाओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीवित कोशिकाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वान लुवेनहॉक हैं। पूरा बात क्लियर हो गया? तो एंटोनी वान लुवेनहॉक कौन है? इनका नाम तो आप लोग एक बार सुने होंगे। ये वही वैज्ञानिक हैं जो सबसे पहले अपने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणुओं को जल में, लार में और दांत के खुरचे हुए मैलों में देखे थे। इसलिए एंटोनी वान लुवेनहॉक को जीवाणु और जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जीवाणु तथा जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो जीवाणु तथा जीवाणु विज्ञान का जनक एंटोनी वान लुवेनहॉक को कहते हैं। और वही एंटोनी वान लुवेनहॉक हैं जो सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किए थे। तो अगर आप दूसरा बात है, अगर अब आपसे पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन। कौन से वैज्ञानिक हैं? स्लाइडेन योम स्वान है। स्लाइडेन योम स्वान। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है बच्चे, तो स्लाइडेन योम स्वान है। ठीक, लेकिन यदि पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का विचार किसने दिया है, तो कोशिका सिद्धांत का विचार देने वाले वैज्ञानिक हैं कौन? दत्तरोचित। कौन है? दत्तरोचित है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत का विचार देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, तो दत्तरोचित है। सो इस तरह से आप लोग कोशिका का कुछ परिचय देखें। आपसे पूछा जाए कोशिका का खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। और रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिकाओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है, तो एंटोनी वान लुवेनहॉक किए हैं। और कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? स्लाइडेन योम स्वान हैं। लेकिन कोशिका सिद्धांत का विचार देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? दत्तरोचित हैं। विचार देने वाले वैज्ञानिक दत्तरोचित हैं, लेकिन सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? स्लाइडेन योम स्वान हैं। सो इस तरह से आप लोग ये समझें कि कोशिका है क्या, कोशिका का खोज किसने किया है, जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया है, और
कोश का सिद्धांत किसने दिया है, कोश का सिद्धांत का विचार किसने दिया है। अब आइए कोशिका का हम लोग परिचय देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। अभी इस विराट रूप का वर्णन हम कर रहे हैं, पहले थोड़ा कोशिका का परिचय सुनिए। तो जितना बातें यहां हुआ सब क्लियर, आप लोग नोट करते रहा करिए। चलिए हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनिए, शारीरिक संरचना के आधार पर, किसके शारीरिक संरचना के आधार पर, अगर पूछा जाए कि शारीरिक संरचना के आधार पर, मतलब शरीर के आधार पर, बनावट के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो शारीरिक संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु कोशिका और दूसरा होता है पादप कोशिका। दूसरा क्या होता है, पादप कोशिका। शारीरिक संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते, जंतु कोशिका और क्या होते हैं, पादप कोशिका। जंतु कोशिका किसे कहते हैं, जिन जीवों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, उसे जंतु कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जंतु कोशिका कहते हैं। जंतु कोशिका किसे कहते हैं, जिन जीवों के कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं। लेकिन पादप कोशिका किसे कहते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिन जीवों के कोशिकाओं में, जिन जीवों के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे पादप कोशिका कहते हैं। उसे कौन सी कोशिका कहते हैं, पादप कोशिका कहते हैं। लेकिन रासायनिक संघटन के आधार पर, किसके रासायनिक संघटन के आधार पर, रासायनिक संघटन के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यू कैरियोटिक कोशिका। हाँ, रासायनिक संघटन के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, जिन जीवों में केंद्रक का अभाव होता है, किसका अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है, जिनमें केंद्रक का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन जिन जीवों में के कोशिकाएं में को केंद्रक विकसित होता है, क्या केंद्रक विकसित होता है, केंद्रक विकसित होता है उसे कौन सी कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे कौन सी कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो आपने कोशिका का खोज भी देखा, कोशिका का प्रकार देखे, तो आपने देखे शारीरिक संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। लेकिन रासायनिक संघटन के आधार पर कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। एक बेहतरीन चीज और सुन लीजिए, जैसे आप जानते हैं कोशिकीय संरचना के आधार पर, किसके कोशिकीय संरचना के आधार पर, कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका दो होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय। एक कोश की दूसरा क्या है,
बहुकोशिकी। तो कोशिकी संरचना के आधार पे कोशिका दो प्रकार के, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो जो एक कोशिकी होते हैं इनमें केंद्रक का अभाव होता है, इनमें यही चीज हम लोग बोल सकते हैं इनमें केंद्रक का अभाव होता है अर्थात ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो बहुकोशिकी होते हैं इसमें केंद्रक पाया जाता है अर्थात हम बोल सकते हैं क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अर्थात एक भाषा और कह सकते हैं कि जिनमें के जिन जीवों के शरीर का निर्माण केवल एक कोश की संरचना से होता है उसे एक कोश की जीव कहते हैं, लेकिन जिन जीवों का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से होता है उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकी जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकी जीव कहते हैं। अर्थात एक भाषा में यहां आप लोग सब जानिए कि जितने जीव एक कोशिकी होते हैं, ध्यान से सुनिए, जितने जीव एक कोशिकी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक का अभाव होता है। लेकिन जितने जीव बहुकोशिकी होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से पाया जाता है, ठीक है। लेकिन संघ प्रोटोजोआ के जीव, लेकिन संघ प्रोटोजोआ के जीव जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, लीशमेनिया, एंटामीबा, हिस्टोलीट का ये सारे जीव एक कोश की होते हुए भी ये प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो इतना पूरा बात क्लियर हुआ। तो आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा कि जितने जीव, यह हम नोट के रूप में लिख देते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, जितने जीव हमने कहा जितने जीव एक कोश की होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, एक कोश की, स्पेस थोड़ा कम था, जितने जीव क्या होते हैं यहां आप लोग जानिएगा, एक कोश की, इनमें केंद्रक का अभाव होता है, और केंद्रक का अभाव होने के कारण ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो जीव बहुकोशिकी होते हैं, क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जितने जीव एक कोशिकी होते हैं उसमें केंद्रक का अभाव होता है और वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। जितने जीव बहुकोशिकी होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है और वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन ध्यान में रखे रहिएगा, ध्यान में आपको क्या रखना है कि संघ प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं, संघ प्रोटोजोआ के जीव जैसे अमीबा हुआ, अमीबा, युगलिना, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ये सारे जीव एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक पाए जाने के कारण ये सभी के सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जितना हमने यहाँ आपको बताया शारीरिक संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के, जंत कोशिका और पादप कोशिका, लेकिन रासायनिक संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक
कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका कोश की संरचना के आधार पर कोशिका दो होते हैं, एक कोश की और बहुकोश की होते हैं। जंत कोशिका किसे कहते हैं? जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका किसे कहते हैं? जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, या तो आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं जिनमें मात्र क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिनमें केंद्रक के चारों भाग पाए जाते हैं केंद्रक कला केंद्रिका क्रोमैटिन धारे के केंद्रक पदार्थ उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, अर्थात केंद्रक विकसित होता है। कोश की संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के, एक कोश की और क्या होते हैं? बहुकोश की। एक कोश की किसे कहते हैं? जिन जीवों के शरीर का निर्माण केवल एक कोश की संरचना से होता है उसे एक कोश की कहते हैं, और जिन जीवों के शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकी कहते हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जितने जीव एक कोश की होते हैं, जितने जीव एक कोश की होते हैं उनमें केंद्रक का अभाव होता है, और केंद्रक का अभाव होने के कारण वो जीव क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते। लेकिन जितने जीव बहुकोश की होते हैं, जितने जीव क्या होते हैं बच्चे? बहुकोश की होते हैं, उनमें केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक पाए जाने के कारण वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते। यही बात सब जगह लागू होगा, लेकिन यह बात अपवाद समझिए कि संग प्रोटोजोआ के जीव जैसे अमीबा युगलीना पैरामीशियम एक कोश की होते हुए भी प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि ऐसे जीवों में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए एक कोशिका का संपूर्ण परिचय। अब आप लोग के सामने पादप कोशिका और जंत कोशिका के एक एक कोशिकांगों के विराट रूप का दर्शन करवाते हैं। तो इतना पूरा बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बेहतरीन अंदाज में देखेंगे पादप कोशिका और जंत कोशिका के विराट रूप को। तो पादप कोशिका और जंत कोशिका के विराट रूप को देखने से पूर्व आप लोग को एक बात का ज्ञान होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया था तो पादप कोशिका का संरचना हुक जैसा मिला, लेकिन जंत कोशिका का संरचना कैसे मिला? अंडाकार में मिला। तो आप लोगों के लिए इस कोशिका के फर्स्ट वीडियो में मात्र हमने कोशिका का इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, अब कोशिका का जो सेकेंड वीडियो होगा, सेकेंड पार्ट होगा, उसमें पादप कोशिका और जंत कोशिका के सारे कोशिकांगों के विराट रूप का वर्णन किया जाएगा, और आपके बीच तुरंत कोशिका के दूसरे पार्ट का हम वर्णन करने के लिए तैयार हैं। और आप लोग हमारे उत्कृष्ट एकेडमी परिवार के साथ लगे रहिए, आपके पदोन्नति के लिए उत्कृष्ट के सहयोगी, उत्कृष्ट के डायरेक्टर पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और आप लोग के सामने हम तुरंत कुछ ही क्षण में सेकेंड पार्ट लेके उपस्थित हैं। थैंक यू क्लास।